चलिए तो बेटा हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट विज्ञापन लेखन। ठीक है, अब विज्ञापन लेखन क्या होता है उसके बाद थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, विज्ञापन में वी का मतलब होता है विशेष। क्या होता है? विशेष। और ज्ञापन का मतलब होता है हम क्या कह सकते हैं इसको, जानकारी देना। जानकारी यानी जब हमको कोई विशेष जानकारी मिलती है उसी को कहते हैं हम लोग विज्ञापन। ठीक है, देखो अब आज के इस युग में ये युग ही किसका हो गया है? विज्ञापनों का युग है। ठीक है, क्योंकि तरह तरह के माध्यम से, रेडियो हो गया, दूरदर्शन, समाचार, इंटरनेट, सोशल मीडिया, तरह तरह के माध्यमों से हमें क्या मिलता है, विज्ञापन हमको दिखते रहता है। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई सोशल मीडिया चला रहे हो तब तक बीच में ही ऐसे करके आ जाता है, वो विज्ञापन खुल जाता है। इसको बोलते हैं पॉपअप विज्ञापन। क्या बोलते हैं उसको? पॉपअप विज्ञापन। पॉपअप विज्ञापन उसका भी खोज हुआ था और आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपअप विज्ञापन ही चलता है। ठीक है, शुरू में नहीं दिखाएगा, बीच में चले जाते क्या हो जाएगा, खुल जाएगा उसी में। ठीक है, और आपको मजबूरी में देखना पड़ेगा क्योंकि वो स्किप भी जल्दी नहीं होता है, एक टाइम के बाद ही स्किप होता है। ठीक है, तो विज्ञापन का जरूरत क्यों है? तो विज्ञापन जरूरत इसलिए है, ठीक है, ताकि जितने भी उपभोक्ता हैं, जितने भी वो सब चीजों को ग्रहण करने वाले लोग हैं उस चीज को, वो इससे क्या हो, प्रभावित हो, और प्रभावित होके वो चीज को क्या कर ले, खरीद ले। तो इस वजह से विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, विज्ञापन को ऐसा बनाया जाता है जो कैसा हो, मनमोह लेने वाला हो। ठीक है, और आपको देखते ही मन करे कि अब तो हम इसको खरीदे करेंगे। ठीक है, तो इस तरह का विज्ञापन हमारा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है विज्ञापन 60 शब्दों में लिखना होना चाहिए, मतलब 60 शब्द से अधिक नहीं लिखना है आपको विज्ञापन। ठीक है, अधिक हो गया तो विज्ञापन नहीं हो जाएगा, वो कुछ और बन जाएगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट है विज्ञापन का आरंभ सीधा विषय शुरू होना चाहिए, यानी कि उसमें आपको मिर्च मसाला बिल्कुल नहीं लगाना है विज्ञापन में, एकदम डिप्टो बात करना है कि किसकी बात आप कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए और आपस में जुड़े रहने चाहिए। छोटे छोटे वाक्य लिखो और आपस में क्या रहे, जुड़े रहे, और भाषा सरल हो तथा अगर उस भाषा के अंदर अगर आपको आ जाए क्या कहते हैं मतलब आपके मुहावरे, तो और बढ़िया, चार चार लग जाएंगे। अगर तुक बन रहा है तो और चार चार लग जाएगा। ठीक है, जैसे जो दिखता है वही बिकता है ना। हाँ, जैसे जो दिखता है वो बिकता है, तो ये क्या है, एक तरह का लोकप्रिय मुहावरे है। ठीक है, एक तरह का आप क्या क्या कह सकते हो, इसको तुकबंदी है, इसका लोग सुनते कहते हैं ओह तो बहुत सही है, तो इसको एक बार ट्राई कर दे करें, मन में एक बार आ जाता है, इसी को क्या कहते हैं, विज्ञापन कहते हैं हम लोग, है कि नहीं। यस सर। चलो नेक्स्ट है अभ्यास तथा प्रयास से विज्ञापन लेखन में कुशलता प्राप्त की जा सकती है, यानी कि अगर आप एक आध दो दिन में नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको बढ़िया विज्ञापन लिखना है, क्रिएटिविटी लिखना है कि उसको देखने के बाद लोग उसको खरीद लें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो हम अभी आपको एक विज्ञापन लिख के दिखाते हैं, विज्ञापन लेखन। ठीक है, जैसे आप हमारे क्या कहते हैं एकेडमी के बाहर आप देखोगे, ठीक है, कोचिंग के बाहर, कि एक बैनर लगा हुआ है बड़ा सा जिसपे मेरा फोटो है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके इस वाली स्थिति में। ठीक है, और यहाँ पे बड़े बड़े शब्दों में लिखा है गीत गोविंद एकेडमी कोचिंग सेंटर, ऐसे करके पूरा लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे एक तो टैगलाइन लिखा हुआ है, योर अल्टीमेट एक्शन इज योर एटीट्यूड। तो ये सब क्या है, ये तुकबंदी है। ठीक है, यानी और उसके बाद यहाँ पे हम किस किस क्लास को पढ़ाते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, क्या क्या चीजें मौजूद है, इस तरीके से चीज लिख देते हैं, और ऊपर हम डिनोट कर देते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, और मोबाइल नंबर, फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर बकायदे यहाँ पे भर दिया। अब जब ये देखोगे आप बाहर लोग तो वाह कितना अच्छा लग रहा है, इसको कहते हैं हम लोग विज्ञापन लेखन। वो विज्ञापन लेखन भी है, उसको बैनर लेखन भी कह सकते हो आप, लेकिन बैनर विज्ञापन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। समझ आया? तो हम चित्रों के माध्यम से दिखाते हैं, क्यों विज्ञापन सबसे ज्यादा, क्योंकि चित्र ही आकर्षित करते हैं किसी को भी। ठीक है, आप आपके सामने अभी हर एक चीज इतिहास के फॉर्म में दे दिया जाए तो आप पढ़ने में मन नहीं लगेगा, लेकिन जैसे जैसे साइंस वाला पार्ट था, सीरीज पैरेलल था ना, सीरीज पैरेलल हमने आपको दिखाया तो कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, ऐसे ही बता के छोड़ दिए होते तो आपको समझ में आता नहीं आता। आपको हीटिंग इफेक्ट दिखाया था मैंने, वो तो तार जला दिया था, बीच में जल गया था, उसमें से आग निकल रही थी, अगर वो ऐसे ही बोले तो समझ जाते तुम, लेकिन देख लिए तो और ज्यादा वो चीज क्लियर हुई, है कि नहीं। तो विज्ञापन का सेंस भी यही है कि हम क्या करते हैं कि सामने वाले के को मन से खेलते हैं, सामने वाले के विचारों से खेलते हैं, जितने भी विज्ञापन वाले होते हैं, एड वाले। ठीक है,
वो समझते हैं कि अब जैसे मान चलो कि अभी किसी चीज का ऐड आ रहा है, मतलब कोई भी चीज का ऐड, तो पहले कुछ और रहता था अब कुछ और है, समय के साथ चेंज करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि हमारा समाज कैसा हो रहा है, उसके हिसाब से हमारा ऐड का प्रिपरेशन चलता रहता है। जैसे सेंटर फ्रेस, ठीक है, सेंटर फ्रेस या मेंटॉस, तो मेंटॉस का जब प्रचार शुरू में आता था तो उसमें लगता था दिमाग की बत्ती जला दे, ठीक है, तो उसमें गधा होता था, एक एक जो गधा होता था ना वो बंदर को बांध के आगे खींचता था, गुरूर करता था, फिर बंदर ने गलती से मेंटॉस खाई और अब बंदर गधा को क्या करने लगा, खींचने लगा इंसान को, है कि नहीं। तो ये सब चीजें क्या है, ऐसे देखिए क्या होगा ना कि जो बच्चे छोटे उनके मन में ओरली खाली मेंटॉस खाने से दिमाग की बत्ती जल जाती है, अब तो हम खाएंगे, मेरा दिमाग कमजोर है तो खाएंगे ना, ये घर वाले सुना होगा तू बेवकूफ है, तू कुछ नहीं आता है, टीचर बोल दे तू कुछ नहीं आता है, देखो ये है इम्पैक्ट, इसको कहते हैं प्रभाव, ऐसे खेला जाता है, समझ आई। ये बहुत ही बड़ी दुनिया है, इसमें बहुत सारी चीजें होती रहती है। तो ये था बेटा हम लोग का पूरा विज्ञापन, समझ आया।